दो बहनें दो औरतें एक घर में रह सकती हैं, लेकिन अगर उनमें से एक सौतन हो तो वो एक साथ एक घर में नहीं रह सकती। इसलिए मैं जा रही हूँ। पागल हो गई हो तुम? सोच सकती हो तो सोचो थोड़ा सा। प्रेग्नेंट हो तुम? ऐसी हालत में रात को 12 बजे अकेले? अपना नहीं तो अपने बच्चे का तो ख्याल करो। रियली तुम्हें है? इसी बच्चे का वास्ता देकर तुम्हें इस घर से जाने के लिए कहा था, तुम गई? नहीं ना, इसी बच्चे का नाम लेकर तुम्हारे सामने रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, तुम फिर भी नहीं गई। And you know what, Kachi? I've had enough. ते और बर्दाश्त नहीं होता, बस जाने दो मुझे। लोग हाले जा रहे हो विक्रम। देखो अभी प्लीज किसी से कुछ मत कहो। डैड मॉम को सरप्राइज करने वाले हैं, उनका बर्थडे है, हम बाद में बात करेंगे। देखो काची, तुम्हें किसी जंगल में शेरों के बीच नहीं छोड़ने वाला हूँ, डोंट वरी। मम्मी जी, विक्रम, व्हाट इज हैपनिंग? एक मिनट रुको, एक मिनट, पता चल जाएगा। अगर मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती तो मुझे थोड़ा प्यार तो कर सकती हो? अगर तुम प्यार भी नहीं कर सकती तो मैं तुमसे जबरदस्ती प्यार कराऊंगा। I will make you love me. विक्रम, रेडी? रेडी। विक्रम, हाँ वो लाइट्स ऑफ हो गई हैं तो मैंने सोचा थोड़ा इसी से ही ब्राइटनेस हो जाए। विक्रम, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग वाइफ। रियली द स्वीटेस्ट। इसमें थोड़ा सा हाथ मेरा भी है। लाइट्स मैंने ऑफ की थी। हैप्पी बर्थडे पल्लवी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे पल्लवी। हैप्पी बर्थडे मॉम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ऑल सो मच फॉर मेकिंग दिस सो स्पेशल फॉर मी। एंड यू नो व्हाट मॉम, कल आपको पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। कल वही होगा जो आपको पसंद है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको पसंद नहीं है। प्राची ने सब अरेंज किया है ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर एक चीज की गारंटी, केक इज गोइंग टू बी अमेजिंग। दिया तुम्हारा बर्थडे केक बेक कर रही है। कचरा ही केक बनाएगी। विक्रम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, यू डिजर्व इट। मम्मी जी, रिया माय लव, थैंक यू सो मच। थैंक यू आलिया। मुझे सबसे लास्ट में, यू आर द मोस्ट स्पेशल ना। हैप्पी बर्थडे गाइस, कम इन। प्राची, कल की पार्टी सबसे स्पेशल और सबसे मेमोरेबल होनी चाहिए। मैं कोशिश करूं। कोशिश नहीं, मुझे तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए, पक्का वाला प्रॉमिस। ओके, आई प्रॉमिस। जी, पूजी, पूजी, उठिए ना। प्रिया, क्या है? मेरा बर्थडे नहीं है, जिसका बर्थडे उसे जाके उठा, उसे मिस करो, मुझे सोने दो। मैं पानी फेंक दूंगी। कहाँ? पूजी, I'm counting. One, two. नहीं, पानी तो तुम्हारे सर के ऊपर डाल देना चाहिए। जब देखो गरम दिमाग लेके घूमती रहती है। क्या है, क्यों उठाया तुमने मुझे? Just be alert first. वरना आधी नींद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रिया, नींद अपनी मर्जी की मालिक होती है। जब मर्जी आती है, जब कमन होता है वो चली जाती है। गॉड, बूजी,
आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू आप. आपको नींद की पड़ी है. मैं पूरी रात सो नहीं पाई. तुमने कोई हॉरर मूवी देख ली थी? उसी के सपने आ रहे होंगे तुम्हें. उससे भी स्केरी वो प्राची का एक्शन मेरी आंखों के सामने घूम रहा था. आई एम टेलिंग यू वो प्राची मॉम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर वो मॉम जैसी होती ना तो उसी वक्त घर छोड़ के चली जाती. पर नो, चाहे उसे दीदा कहे या मॉम कहे वो रुकती नहीं. बट लुक, वो अभी भी है इधर और पूरे घर में एक सुशील बहू की तरह घूम रही है. बहू? Didn't you see? No. कैसे वो डैड से प्रॉमिस ले रही थी कि मॉम का बर्थडे मेमोरेबल बनाएगी. रिया, वो तो विक्रम ने कह दिया तो उसे प्रॉमिस करना पड़ा. नो बुजी, अगर प्रॉमिस की बात नहीं भी होती ना तो भी वो ऐसा ही करती. तुम ना बेकार में रिया. बुजी, नो नो नो, कुछ तो उसके माइंड में है. वो दीदा डैड सबसे बहुत बहुत प्यार से बात कर रही है. और दीदा वो प्राची से तो ऐसे बात कर रही है जैसे प्राची कोई नई नवेली दुल्हन हो. बस एक मॉम है जिन्होंने अपना डिस्टेंस बनाया हुआ है. बट इवन हर, यू नो, रिसेंटली वो भी पिघल गई. पॉइंट क्या है रिया, वो बताओ. मुझे ना सोना है. बुजी, आपको सोने की पड़ी है? जब देखो सोना 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 भाई बोले जा रही हैं आप. कैसी बुजी हो मेरी? जरा तमीज से बात करो मुझसे. इकलौती बुजी हूँ तुम्हारी. ओके अच्छा, आई एम सॉरी. प्लीज डांटो मत मुझे और मेरी बात सुनो. अगर आज रात मैंने कुछ नहीं किया तो वो प्राची सबकी फेवरेट बहू बन जाएगी. तो तुम करने क्या वाली हो रिया? मैं सोच रही थी कि प्राची जो डेकोरेशन कर रही है मैं उसे ऐसे दिखाऊंगी जैसे कि वो कोई डेकोरेशन नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की मर्डर की प्लानिंग कर रही थी. रिया, ये तुम क्या कह रही हो? इसमें तुम्हारी जान को रिस्क है. आई नो बूजी, अब इश्क है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना. यू नो व्हाट, प्राची ने बहुत बड़ी गलती की. ना जाके चली जाती ना तो ये सब उसे देखना नहीं होता. नाउ शी विल हैव टू पे द प्राइस, अ वेरी बिग प्राइस. उसे ऐसे बेइज्जत करके घर से निकालूंगी ना, इससे पहले उसने इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं देखी होगी. सारी हदें पार कर दूंगी मैं बूजी. कौन सी हदें पार कर दूंगी? इदा वो रिया एक मूवी देखकर आई, लव रोमांस, जिसमें हीरो देश की सारे हदें पार कर जाता है हीरोइन को पाने के लिए. अच्छा, कौन सी देश की हदें पार कर देता है? हमारे देश की, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की, फिर पाकिस्तान की हद कोई हीरोइन के लिए या चाइना की हद? एक्चुअली वो पहले चाइना चली जाती है फिर पाकिस्तान. तो बेसिकली हीरो को सारी हदें पार करनी पड़ी. मैं तुम्हारे लिए लड्डू बना के लाई हूँ. हाँ, तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं. रोज सुबह खा लेना, ठीक है? Oh my God, Tida, that's so sweet. Thank you. खुश रहो, खुश रहो. ये. Thank you. मुझे नहीं चाहिए ये disgusting लड्डूस. I'll become fat. मोटी हो जाऊंगी. I'm going to throw it out of the window. रिया, क्या कर रही हो? किसी को पता चल गया तो? पता चल गया कि तुम लड्डू खा नहीं रही बल्कि फेंक रही. जी, come on. मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगी. उन्हें बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है. इतना आसान नहीं है मुझे बेवकूफ बनाना. मतलब मुश्किल है पर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते. इम्पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल. पर दीदा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों प्राची के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं? मेरी प्राची प्रेग्नेंट है लेकिन घर में उसकी कोई केयर नहीं करता. मैं भी नहीं कर सकती, मुझे भी छुपाना पड़ रहा है. अगर मैं करूंगी तो वो लोग सोचेंगे कि मैं उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हूँ. इसीलिए रिया के बहाने से मैंने प्राची के लिए लड्डू बनाए और जो लड्डू बनाए वो रिया को देने गई थी. लेकिन वो दोनों कुछ बातें कर रही थी और मुझे देखकर ऐसे चुप हो गई जैसे स्कूल में ना टीचर को देख के बच्चे चुप हो जाते हैं. क्या बातें कर रहे थे दोनों? कुछ वो रिया कह रही थी कि सारी हदें पार हो जाएगी. मैंने पूछा भी कि कौन सी हदें पार हो जाएगी तो कह रही थी कि रिया ने कुछ मूवी देखी जिसमें हीरो हीरोइन के लिए देश की सारी हदें पार कर देता है. ऐसी कौन सी मूवी है? मैंने तो कभी नहीं देखी. अरे होगी तो तू देखेगी ना. वो दोनों तो है ना कुछ छुपा रही थी, कुछ झूठ बोल रही थी मुझे लग रहा है. और झूठ छुपाने के लिए ना इंसान ऐसे ही बहाने बनाता है. और ये दोनों है ना मुझे बेवकूफ समझती है. लेकिन दीदा, वो लोग प्लान क्या करे ये तो पता लगे पहले. अरे वो जो कुछ भी करे लेकिन शाना, हमें ना एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है पार्टी में.
वो लोग दोनों ऐसा कुछ जरूर करेगी कि प्राची घर छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाए और हमें वो नहीं होने देना है। यस, वो चाहे जो कुछ भी करे पर जीतेंगे हम। अगर रिया के साथ उसकी आलिया भूजी है ना, तो प्राची के साथ भी हम, और हमें उसके साथ उसकी परछाई बनकर रहना है ताकि उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, ना किसी की बुरी नजर लगे। रिया, क्या हुआ? वही जो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने बच्चे को यूज करूंगी रणबीर के अगेंस्ट, उसके पास आने के लिए। एंड यू नो व्हाट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। असर हो रहा है। रणबीर मेरी तरफ देख रहा है और मुझे देखकर ही स्माइल कर रहा है। कहा था ना, पता नहीं ये दोनों बुआ भतीजी क्या कर रही है। रिया चल रही है कि रणबीर ने उसे देखा नहीं, और पूजी सोच रही है कि चलती हुई रिया पे पानी कैसे डाले। ये रिया की समझ में कब आएगा कि रणबीर उससे नहीं प्राची से प्यार करता है। जब प्राची माँ बन जाएगी ना, और रणबीर सिर्फ उसके बच्चे को अपनाएगा, तब इसकी समझ में आएगी। ये इसकी जान छोड़ेगा तब ना। कौन, किसकी बात कर रहे हो आप? अरे वो है ना, लव ट्रायंगल में अपना कौन सा एंगल फंसा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पूरा शक है कि ये स्टैनली है ना, रणबीर से प्यार करता है। दीदा, रणबीर है इतना प्यारा, उसे तो सभी प्यार करते हैं। अरे मैं बिना उस वाले प्यार की नहीं बात कर रही हूँ, मैं वो वाले प्यार की बात कर रही हूँ। वो वाले क्या दीदा, आप क्या सोच रही हैं? मैं पुराने ख्यालत की हूँ, समझी, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। ये आप तभी सोचिएगा ना, क्योंकि रणबीर तो प्राची से प्यार करता है, उसका दिल प्राची पे अटका हुआ है। क्या आप कहाँ अटका रही हो उसका दिल? जो मैं देख रही हूँ ना, वही बोल रही हूँ। देख तो भी देख, देख जरा ध्यान से देख। क्या दीदा, कुछ भी, आप भी ना। अरे सुन तो, आजकल की जनरेशन भी ना, पता नहीं हम बड़ों के तजुर्बे से कब सीखेगी कुछ। तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? हाँ सर, याद है ना, सॉन्ग प्ले करना है। हाँ सॉन्ग तो प्ले करना ही है जब घर वाले आएंगे, लेकिन उसके बाद का याद है? उसके बाद क्या सर? हाँ सर, याद आ गया। थैंक गॉड याद आ गया। मैं भी है रणबीर इस प्राची में देखता क्या है? आई स्वेयर मुझे पता चल जाए ना, तो मैं भी वही करूंगी। प्राची, दिस इज नॉट डन। तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? एक्सक्यूज मी, क्या किया मैंने? ये जूस खराब है। खराब नहीं है ये, इम्पॉसिबल। सच्ची में खराब है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ट्राई करो, देखो कितनी खराब है ये। ट्राई करो। ठीक तो है? ठीक है, तुम क्या बात कर रही हो? ठीक नहीं है, खराब है। खराब तुम्हारा दिमाग है, ये बिल्कुल ठीक है। और तुम हर बात पहले ना अपनी ईगो पे ले लेती हो, ये सच्ची में खराब है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे किससे पूछता हूँ, पिलाता हूँ किसी को और पूछता हूँ कि ये खराब है कि नहीं। okay? एक सेकंड, कैसे पिलाओगे? मेरी झूठी है ये ड्रिंक। ओ हाँ शिट, तुम्हारी झूठी है और तुम्हारी लिपस्टिक का निशान भी लग गया इसके ऊपर। ये तुम आजकल बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगा रही हो। मैं किसको पिलाऊं, किसको पिलाऊं, मैं ही पी लेता हूँ। तुम सही कह रही थी, ये तो बहुत स्वीट है। बस एक बात तो है, तुम क्यूट बहुत हो। कहते हैं प्रेगनेंसी में सुबह शाम जिसका चेहरा देखो बच्चा उसी की तरह बन जाता है। अगर मेरा बच्चा रणबीर की तरह नौटंकी और ड्रामेबाज हुआ तो उसे हैंडल करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। विक्रम जी, आपको भी मुबारक हो नए प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। को
चली और चली गोकुल की रात चली करके श्रृंगार वे जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां ये प्रीत है पुरानी मैं राजा और तू रानी हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे रिया रिया इट्स ओके एक छोटा सा डांस ही तो था वाह भाई वाह मजा आ गया क्या डांस किया आपने नंबर वन डांसर तो हैं आप नंबर वन बिजनेसमैन भी हैं बेटा किसका है मेरा बट आई एम सॉरी इसका सारा क्रेडिट मैं ले नहीं सकता ये डांस हो ही नहीं पाता अगर मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं होता डांस पार्टनर लाइफ पार्टनर फिर उसके बाद डांस पार्टनर कितना भी बड़ा हो जाए ना इसकी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बाप बन जाए रणबीर पापा बनेगा और रिया मम्मी प्राची इसकी फर्स्ट वाइफ थी अब नहीं है ओके ओके रिलैक्स आज के दिन कोई पुरानी बातें नहीं ये अपसेट हो जाता है आज का दिन स्पेशल होगा आज के दिन सिर्फ खुशी खुशी की बातें क्योंकि आज मेरा बर्थडे है ना मैं इस प्राची को एक मिनट भी ना इस घर में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं चाहती हूँ कि ये अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाए Just want her out of this house. Riya, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बहुत सोचा मुझे. मैंने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे प्राची इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाए. So I have an idea. मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लगे कि प्राची मेरे बच्चे को मारना चाहती है Too bad, right? So, the idea is, ये दीवार देख रही हैं आप ये दीवार फेक है और हम इस दीवार को गिरा सकते हैं इसके स्क्रूज लूज करके बिकॉज इट्स फेक इसकी दूसरी तरफ मैं रहूंगी और आप इसके स्क्रूज लूज करेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे प्राची मेरे बच्चे को मारना चाहती थी और उसी ने इस दीवार को गिराई है और फिर मेरे साथ पूरी फैमिली प्राची को ब्लेम करेगी कि प्राची
मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहती थी। प्लीज रिया, ये मेरे होने वाले बच्चे को ना बोलना बंद करो। कभी कभी मुझे सच में लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड बूजी, प्लीज, इन योर ड्रीम्स यू नो हाउ मच आई लव माय फिगर। प्रेगनेंसी के लिए मैं अपनी फिगर कभी नहीं खराब करूंगी, नेवर। अरे प्रेगनेंसी का ख्याल भी मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती, बच्चा क्या खाक रखूंगी अपने पेट में। सब झूठ बोला था मैंने, अच्छा मौका देख के मैं अपने पेट के बल गिर जाऊंगी और फिर सारा ब्लेम रणबीर पर डाल दूंगी कि रणबीर की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। जिस इंसान ने मुझे मां बनने का सुख दिया, उसी इंसान ने मां बनने की सारी खुशियां मुझसे छीन ली। पैदा होने से पहले ही मेरे बच्चे को मार डाला। बेचारा गिल्ट में ही मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और वो प्राची, शी इज गोइंग टू लूज इट ऑल। और ये मुसीबतों की जो दीवार है ना, प्राची पर गिरने वाली है। तो बूजी, जब हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, आपको ये स्क्रूज लूज करनी है, मैं दूसरी तरफ रहूंगी और ये दीवार दूसरी तरफ गिरेगी। मिशन के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, धमाकेदार एक्शन देखने के लिए आप तैयार हैं? देखिए धाकड़ सिर्फ Z5 पर।